एक बार आईने के सामने बैठना और खुद की शक्ल देखना और अपने माँ बाप को कोसना जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। हाँ, मैं पहाड़ों में रहता हूँ, शहर में नहीं। एक छोटे से गांव में घर है मेरा। एक गरीब परिवार का लड़का जिसके सपने बहुत बड़े हैं। ये है मेरा छोटा सा घर। हाँ, ये मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। और ये मेरा भाई जिसने बचपन से लेकर आज तक मेरे हर सपने को पूरा किया है। और मेरा एक सपना है IAS ऑफिसर बनने का। और हाँ, इससे मिलिए, ये है मेरी चाहने वाली, साफ शब्दों में बोलूँ तो मेरी प्रेमिका। भैया, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ये ले छोटे, बस का किराया। अरे, कितना कुछ करते हो भैया आप मेरे लिए। मेरे सारे दोस्तों को लगता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। तो क्या हुआ, वो अच्छे कपड़े पहनने में क्या हर्ज है? बस मेरा वीर अच्छा दिखना चाहिए। और छोटे, घर में हम अचार के साथ रोटी क्यों ना खाए, क्या फर्क पड़ता है? बस किसी को बताना थोड़ी है। पर पता नहीं भैया मेरे सपने का क्या होगा। IAS ऑफिसर बनने का सपना है मेरा। 25 जून 2006 को हमारे गांव में DM साहब की एंट्री होती है। अरे, DM साहब आ गए। मैं बहुत ही हैरानी से उनको देखता रहा कि कैसे इतने सारे लोग उनके स्वागत में लगे हैं। उनके प्रति लोगों की रिस्पेक्ट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मुझे अंदर से एक मोटिवेशन मिली कि मुझे भी कुछ करना है। IAS ऑफिसर बनना कोई आम बात नहीं है, उसके लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसे ही कई साल बीत गए। दिन भर बाहर मेहनत करता, खेतों के काम करता, और जब भी मुझे टाइम मिलता मैं किताब खोलकर बैठ जाता। अरे, किस सोच में पड़ गया छोटे? अरे कुछ नहीं भैया। ओ, तू टेंशन नहीं लेना, तुझे जिस चीज की जरूरत है तू मुझे बोलना, और तेरा भाई है अभी। भैया बस आ गई, मैं चलता हूँ। और 20 रुपए बस का किराया लेकर मैं गाँव से शहर पढ़ने के लिए जाता रहा। अरे सॉरी रिया, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। इट्स ओके यार, आज का प्लान क्या है? अरे प्लान कुछ नहीं है, बस थोड़ी बुक्स लेनी है। तुम मार्केट चलोगी मेरे साथ? अरे देख ना यार, कितना डैशिंग लगता है ये। हाँ, स्मार्ट तो लगते हैं ये। हाँ वैसे ये पुलिस में है ना? हाँ। कैसी है रिया? अरे भैया, आप तो बहुत बढ़िया दिखते हो, आप पुलिस में हो ना? हाँ, इंस्पेक्टर हूँ मैं। और तुम्हारा नाम सुना है, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। अरे सर, मेरा भी सपना है, मैं भी एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। सपना तो मेरा भी है प्रधानमंत्री बनने का, मैं बन गया? बेटा सपने ना सपने होते हैं, उनका वास्तव से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं ना कि इस फिल्म के सारे किरदार काल्पनिक है, वैसा ही यहाँ पे भी होता है, समझे? अरे नहीं भैया, अगर किसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करी जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लगता है तुम्हारे पास ना बहुत टाइम, पर मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं ना ड्यूटी वाला बनता हूँ। चलता हूँ, बाय रिया। अच्छा, तुम उसके बात का बुरा मत मानो, कल तुम्हारा बर्थडे है ना, क्या प्लान्स है? अरे क्या प्लान करना यार, बर्थडे तो हर साल ही आता है। हर साल आता होगा, लेकिन इस साल तुम मेरे साथ हो तो इस साल कुछ खास होगा। अरे हर साल ना मैं अपना बर्थडे अपने भैया के साथ घर पे सेलिब्रेट करता हूँ। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। मतलब आप मेरे घर आओगे? हाँ, मैं 7 तक के साथ आ जाऊँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। ओए छोटे, और जन्मदिन मुबारक हो यार। अरे भैया, आज ना मेरे कुछ दोस्त आने वाले घर पे। अच्छा, कोई खास भी आने वाला होगा फिर? अरे क्या भैया, आप भी। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी। हेलो, लगता है वो आ गए। हाँ एक काम करो आप, वहीं रुको, मैं आता हूँ। लगता है भैया वो आ गए, मैं उन्हें लेके आता हूँ। यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा है। बस आप एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके ठीक है, आप जल्दी आ जाओ। अरे कहाँ है उसका घर? अरे यार, यही रोड पे तो खड़े रहने के लिए बोला है उसने। तेरी यादों के साए से दिल का लगाना था शगुन, तेरे सदके मेरी सारी जिंदगी।
रांझणा ओ रांझणा वे रांझणा मेरे यार वे रांझणा ओ रांझणा वे रांझणा मेरे यार। चलिए घर चलते हैं। अरे नहीं, यहाँ पास में ही है घर मेरा, और आज ये पहली बार मेरे घर आ रहे हैं। इन्हें ये तो पता है कि मैं गरीब हूँ, पर कितना गरीब हूँ ये पता नहीं है। और ये है हमारा छोटा सा घर। ये तुम्हारा घर है? ये मिलिए मेरे भैया से। अरे चलो अंदर चल के बैठो। नहीं, हम यही बैठते हैं ना। ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ये बर्तन पे पानी पियेंगे हम? नहीं ठीक है, हम अभी पानी पी के आएंगे। कहीं दिल ने यार, मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ पे, मेरा तो दम घुट रहा है। तुझे पहले देखना चाहिए ना बॉयफ्रेंड का घर कैसा है, बंदा कैसा है। तूने यहाँ लाके मेरा दिन भी खराब कर दिया, इतने भी स्टैंडर्ड नहीं गिरे हमारे। चल यार, अभी यहाँ आ ही गए तो सही पड़ेगा। अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? गर्मी वगैरह तो नहीं लग रही ना? नहीं, हमें क्या गर्मी हो रही है, यहाँ पे तो एसी लगा है ना। अरे भैया आप भी कैसा मजाक करते हो। ये सब छोड़ो और मुझे बताओ खाने पीने का क्या प्रोग्राम है। अरे भैया ने ना आपके लिए स्पेशल नॉनवेज का इंतजाम किया है, बस थोड़ी देर अभी भैया बना रहे हैं। अरे आप लोग बाहर धूप में क्यों खड़े हो, अंदर चल के बैठो ना। नहीं नहीं, हम यहाँ पे ठीक है। आप ऐसे चूल्हे पे खाना बनाते हो? हाँ, हम तो ऐसे ही बनाते हैं, और चूल्हे की जैसी रोटी का स्वाद कहीं ना है। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता। और यहाँ मुझे लग रहा था कि मैं उससे प्यार तो करता हूँ, लेकिन मेरे और उसके स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये चल रहा था कि आज अगर मेरा बुरा है तो कल अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपने कल को सुधारने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। जो कभी कह न सका आज कहता हूँ पहली दफा। ऐसे चूल्हे से खाना बना हुआ खाएंगे हम? तुम्हें खाना हो तो खाओ, मैं जा रहा हूँ। रुको, मैं प्रिंस से बात करती हूँ। प्रिंस सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो। वो सार्थक के यहाँ से इम्पोर्टेंट ड्यूटी से कॉल आया था, तो हमें जाना पड़ेगा। अरे भैया ने इतना प्यार से खाना बनाया, आप खाना खा लो फिर चले जाना। अरे समझा करो यार, सार्थक के यहाँ से इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे छोड़ेगा कौन, सो मुझे जाना पड़ेगा। तुम्हारा बर्थडे ना हम कॉलेज में सेलिब्रेट कर लेंगे। हैप्पी बर्थडे। हाँ बाय। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है। और उस दिन के बाद वो मुझे कभी नहीं मिली, और उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, और मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा था। कैसा घर है यार इसका, और आईएएस बनना है, कितनी मेहनत लगती है। और फिर एक दिन शिकस्त ही हुआ। अरे मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, तीन चार दिन से देख रहा हूँ ना आप मेरा कॉल पिक कर रहे हो। मैंने आपको कॉलेज में भी ढूंढा, आप वहाँ भी नहीं मिले। बस अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये कचरे के डब्बे में तुम मुझे बुलाने वाले हो, मैं कभी नहीं आती। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। हाँ मुझे पता था तुम गरीब हो, लेकिन मुझे पता नहीं था इतने गरीब हो, तो तुम्हारा कुछ और ही हाल है। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, मैं माफी चाहता हूँ। काम कर, मुझे माफ कर और मुझे जाने दे यहाँ से। एक बार आईने के सामने बैठना और खुद की शक्ल देखना, और अपने माँ बाप को कोसना जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। ऐसी बातों को सुनकर दिल से बुरा तो लगता था, लेकिन क्या करूँ, गरीब हूँ ना, सहना पड़ता है। आईएएस अफसर बनना मेरा सपना था, लेकिन उस दिन से जिद बन चुकी थी। और बचपन से सुनते आ रहे थे कि इतिहास के पन्नों में जिनके नाम दर्ज है वो हम में से ही आम आदमी है, तो उन शख्स में मेरा नाम क्यों नहीं। और ऐसे कई साल बीत गए, घर की कंडीशन बुरी होने के कारण दिन भर बाहर मेहनत करता, खेतों के काम करता, और जब भी मुझे टाइम मिलता मैं किताब खोलकर बैठ जाता।
बिना ट्यूशन क्लास के आईएएस के एग्जाम। भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसके लिए ट्यूशन लगा सकूं। और तुझे पता है इसके स्टडीज तो बहुत महंगे रहते हैं ना। अरे भाई तो टेंशन मत ले, मेरा एक दोस्त है, उसके चाचा जी है, चल हम उनसे बात करके देखते हैं, शायद हमारा काम हो जाए। अपना टाइम नहीं अपना दोस्त आएगा, गाड़ी को ना दे कुछ ना कर पाएगा, तू बैठेगा तो कैसे शोर आएगा, टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता। अपना टाइम नहीं अपना दोस्त आएगा, गाड़ी को ना दे कुछ ना कर पाएगा, तू बैठेगा तो कैसे शोर आएगा, टाइम नहीं आता खुद ही लाना पड़ता। भाई तेरे चाचा जी की ट्यूशन क्लासेस है ना, उसमें बात करवाना यार प्रिंस के लिए। तू टेंशन मत ले, मेरे नोट्स लेके जाना और स्टडी कर लेना। और इसी तरह दोस्त के नोट्स लेकर दिन रात पढ़ाई करता रहा। पागल है क्या, पागल है क्या, टेंशन क्यों ले रहा है तू, बालक है क्या, पागल है क्या, पागल है जिसकी तू सुन रहा है वो सुनने के लायक है क्या, पागल है क्या, पागल है क्या, बोलना तू पागल है क्या, बोलना तू पागल है क्या, नहीं नहीं पागल है क्या, नहीं नहीं पागल है क्या, पागल है क्या, पागल है क्या, टेंशन क्यों। रिया का भाई हूँ मैं, मुझे मालूम है रिया से तू सच्चा प्यार करता है, चल मेरे साथ। रिया से प्यार करता है तू? हाँ पसंद करता हूँ मैं रिया को। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बहन से बात करने की, जानता है तू मुझे, इस शहर का डॉन हूँ मैं। और आज के बाद मेरे बहन से तू बात करते हुए भी दिखा, जान से मार दूंगा तुझे। यार 4 दिन हो गए भैया को जेल में, अभी तक तो बेल भी नहीं हो रही। तुम तो पुलिस में हो ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतने बड़े पोस्ट पे नहीं हूँ कि तेरी मदद कर सकूँ, और अगर मैं तेरी मदद करता हूँ तो मेरी जॉब को खतरा हो सकता है, क्योंकि तेरा भाई क्रिमिनल है। तो अब क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, हमारे न्यू डीएम साहब है, मैंने सुना है वो सबकी मदद करते हैं और बहुत अच्छे। तो कब मिल सकते हैं उनसे? कल की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं उनसे, मैं कोशिश करता हूँ। क्या तुम्हें लगता है डीएम सर हमारी मदद करेंगे? हाँ मैंने सुना तो है कि वो सबकी मदद करते हैं। तुम ऐसा करना, तुम उनको थोड़ी ज्यादा रिक्वेस्ट करना, शायद वो हमारी मदद कर दे। ऑफिसर यार बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा है। एक काम करो, जो बाहर बैठे हैं उन्हें अंदर भेज दो। एक्सक्यूज मी, सर ने आपको कैबिन में बुलाया। जी हाँ आइए सेट। सर वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपका भाई एक क्रिमिनल है और डीएम ऑफिसर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं जनता के हित में काम करूं, ना कि किसी क्रिमिनल को सपोर्ट करूं। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। प्लीज प्लीज हेल्प मी प्लीज, आप तो मुझसे प्यार करते थे ना। करता था, करता हूँ नहीं। तुमसे प्यार करना मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, पर उस गलती से मैंने बहुत कुछ सीख लिया। तुमने तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था ना, क्या बोला था तुमने, वो कचरे के डब्बे जैसा घर है तुम्हारा। दरअसल तुम्हारा कसूर नहीं है, ये दुनिया की रीत है। जब हम निचले तबके से निकल के आते हैं ना, मतलब जब हम आर्थिक रूप से विपन्न होते हैं, तो अक्सर हमारी गरीबी को लेकर हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हम उस गरीबी से निकल कर कुछ चौंका देने वाला काम कर देते हैं तो हमारी उसी गरीबी को बहुत तवज्जो दिया जाता है,
और उस गरीबी को लेकर बहुत सारी कहानियां बन जाती हैं कि कैसे एक किसान का बेटा IAS ऑफिसर बन जाता है। सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आप जा सकते हैं। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, तो सबसे पहली बात अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई अपना नहीं है, सब टांग खींचने में लगे रहते हैं। अपना कौन है? अपने माँ बाप, पेरेंट्स, उनके अलावा हमारी फिक्र किसी को नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि IAS ऑफिसर कितना इजीली दिखा दिया कि कैसे एक लड़का IAS ऑफिसर बन जाता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो IAS ऑफिसर बने हैं वो भी हमारी तरह है, तो क्यों हम क्यों नहीं बन सकते? अगर कोई भी चीज को करने के लिए मेहनत करी जाए और अगर हमने मन में सोच लिया कि हमें ये करना ही है, तो कोई रोक नहीं सकता हमें वो करने से। तो वही है कि मेहनत करते रहो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग क्या क्या बनना चाहते हैं, क्या क्या सपने हैं आप लोगों के, मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और हाँ, अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, पास में बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी प्रेस कर देना। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।